गर्म पानी के द्वारा उपचार के लिए गेहूं का भूसा या धान के पुआल की कुट्टी को काटकर एवं जूट या कपड़े की छोटी थैलियों में भरकर पानी में कम से कम 12 से 16 घंटे तक डुबोकर रखते हैं ताकि भूसा या पुआल अच्छी तरह से पानी सोख ले। इसके बाद गीले भूसे से भरी थैलियों को उबालते हुए गर्म पानी में 30 से 40 मिनट तक डुबोकर रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी का तापमान 30 मिनट तक 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक बना रहना चाहिए। भूसा डालने से पहले फर्श को धोकर या पॉलीथीन शीट बिछाकर उस पर 2% फॉर्मेलिन के घोल का छिड़काव करें। इस प्रकार से उपचारित माध्यम बिजाई के लिए तैयार करें। दूसरे तरीके का जो उपचार है वह है रासायनिक उपचार। गर्म पानी की उपचार विधि को बड़े स्तर तक अपनाने में अधिक खर्च आता है, इसलिए विकल्प के रूप में रासायनिक विधि को अपनाया जा सकता है, जिसका तरीका इस प्रकार है। किसी सीमेंट के नाद या ड्रम में 90 लीटर पानी लें तथा उसमें 10 किलोग्राम भूसा या पुआल भिगो दें। एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लें और उसमें 10 ग्राम विवेस्टीन और 5 मिलीलीटर फॉर्मेलिन मिलाएं। इस घोल को ड्रम में भिगोए गए माध्यम पर डालें और ड्रम को पॉलीथीन से ढककर उस पर वजनी चीज रख दें। 12 से 16 घंटे बाद ड्रम से भूसा को बाहर निकालकर साफ फर्श पर फैला दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इस प्रकार प्राप्त गीला माध्यम बिजाई के लिए तैयार है। अभी बताई गई किसी एक विधि के माध्यम से उपचारित कर उसमें 4% की दर से बीज मिलाएं, यानी 1 किलोग्राम गीले भूसे में 40 से 50 ग्राम। सतह विधि से ही बिजाई करना उत्तम रहता है। पीपी बैग, जिसका आकार 14 से 16 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो, उसमें एक परत उपचारित भूसा बिछाएं, फिर उसके ऊपर बीज रख दें, उसके ऊपर फिर से उपचारित भूसा डालें और फिर से बीज डालें। इस प्रकार 2-3 सतह में बिजाई की जा सकती है। बिजाई के उपरांत पॉलिथीन थैले में इसे भरकर मुंह बांध दें और बिजाई किए हुए बैग को एक अंधेरे कमरे में रख दें। इसके बाद लगभग 2-3 सप्ताह तक 28 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 80 से 90% नमी बनाए रखें।